अभी मैं तैयार हो रही हूँ ललही छठ पूजने के लिए। अभी भाभी और हम बहू सब जाएंगे साथ में, तो फटाफट तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। मोलू अब चल लेंगे। ओ सही में रो रही है। हम घंटे पर पिछली बार खड़े थे धूप में। नहीं धूप में नहीं खड़ा होना। तो दोस्तों आइए सुनते हैं हलषष्ठी की पूजा किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हलषष्ठी के दिन महिलाएं सुबह सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं और इसके बाद घर के बाहर में एक तालाब बनाती हैं या तो तालाब पर जाती हैं। तो आजकल तो तालाब मिलते नहीं हैं शहरों में, तो अपने घर के बाहर ही एक तालाब बना लेती हैं। वहीं पर सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और भैंस के गोबर से गौरी गणेश बना लेती हैं और उसी तालाब की मिट्टी से वहाँ पे हल भी बना देती हैं और फिर पूजा स्टार्ट करती हैं। अब मैं आपको सुनाने चल रही हूँ ललही माता की कहानी। तो ये पहली कहानी। एक राजा अपने परिवार के साथ साथ प्रजाजनों के सुख दुख का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब और कुएं बनवाता रहता, लेकिन सभी तालाब और कुएं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहते थे कि ऐसा कोई उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाए। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक आकाशवाणी होती है। हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारे इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तभी सोचते हैं कि अगर राजा अपने संतान के बलि दे देंगे तो उनका तो वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा भी यही विचार करते रहे। फिर उनके दिमाग में आया कि अगर हम अपने पोते का जो अभी 2 माह का है बलि दे देता हूँ तो कैसा रहेगा, इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि जब मेरा बेटा जीवित रहेगा तो और भी पोते हो जाएंगे। फिर क्या था, राजा मन में यही निश्चय करके सो गया। अगले दिन हलषष्ठी का व्रत होता है और राजा के बेटे की बहू हलषष्ठी का व्रत रखती हैं। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगूं? कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन, जबकि माताएं अपने पुत्र के लिए सौभाग्य की कामना के लिए ही यह हलषष्ठी का व्रत करती हैं। राजा मन में विचार करता है, क्यों न मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूँ और पोते को छोड़ जाने को कहूँ। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा, बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगा और वह बहू के पास जाकर बोले, बहू तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब है, तुमको देखना चाहती हैं। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी आज तो हलषष्ठी ही है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ? आज के दिन तो हल जूते जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहते हैं, तुम चलकर नहीं जाओगी बहू, मैं पालकी सजवा देता हूँ।
तुम उसमें बैठ कर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसको आत्मग्लान भी होने लगती है कि मैं बहू से क्या कहूँगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुँचती हैं तो सभी महिलाएं हलषष्ठी की पूजा करती हैं, तैयारी में लगी रहती हैं। उनकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती हैं। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत दुखी मन होता है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी के साथ मिलकर बहू भी हलषष्ठी का व्रत करती हैं और फिर वहीं पे वो पारण भी करती हैं। उसके बाद कहारों के साथ वापस आती हैं। रास्ते में वो कहारों से कहती हैं, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाया है उसी की तरफ से लेकर चलना, मैं सागर में हाथ मुँह धो कर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर से लेकर जाते हैं। उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुँह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर आते हैं। यह सब हलषष्ठी माता की कृपा ही तो थी। राजा बहू अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, यह तुम्हारे पुण्य प्रताप का नतीजा है बहू। राजा कहते हैं कि जिस तरह बहू आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घरों में खुशियां बनी रहे। राजा अपने राज्य में घोषणा करवाते हैं कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलषष्ठी की पूजा कराई जाएगी। जिस प्रकार हलषष्ठी माता हमारे घर में खुशियां लौट आई हैं, उसी तरह हमारे राज्य के सभी घरों में खुशियां बनाए रखें। जय हो हलषष्ठी माता की। अब दूसरी कहानी। एक ग्वालिन गर्भवती थी, उसका प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी के ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हलषष्ठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही उसके बच्चे के चीरे हुए पेट के टांके लगा दिए और वहीं छोड़कर चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घुसकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसने सच बोलने पर सभी महिलाएं उन्हें उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि जाओ ग्वालिन, तुम लौट कर जाओ, खेत में तुम्हारा बच्चा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। छठ मैया से हम लोग प्रार्थना करते हैं। ग्वालिन वहाँ से लौट कर आई और उसका पुत्र खेलता हुआ खेतों में उसे मिल गया। वह बहुत खुश हुई और छठी मैया की जय जयकार करने लगी। जय हो छठ मैया की। जैसे ग्वालिन की पुत्र लौट आई हो, ऐसे सभी का पुत्र लौटाओ।